आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी में आप लोगों का थर्ड लेसन जिसका नाम था बड़ा कौन, ये आप लोगों का यहाँ तक हो चुका था सिक्स तक। निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द बहुला बनाइए। तो आज हम सेवन से पढ़ेंगे क्वेश्चन, जिसमें है दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। जो दिया हुआ शब्द उसका आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। मैंने से तो लिखा है धरती का भूमि, पक्षी का चिड़िया, हंस का सरस्वती वाहन, पानी का जल, क्रोध का गुस्सा, राजा का नरेश, वृक्ष का पेड़, प्रेम का प्यार। एक बार और देख लेते हैं, धरती का भूमि, पक्षी का चिड़िया, हंस का सरस्वती वाहन, पानी का जल, क्रोध का गुस्सा, राजा नरेश, वृक्ष पेड़, प्रेम प्यार। फिर नेक्स्ट है एक नंबर में अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखे। तो अशुद्ध आपके बुक में दिया है, मैंने सिर्फ शुद्ध शब्द यहाँ लिखे हैं। तो इसमें निर्दोष गलत लिखा हुआ, मैंने अनिर्दोष को सही करके लिखा है। बगिया, इसमें आपके बगिया में दीर्घिकार दिया हुआ है लेकिन हर्षिकार होगा तो मैंने हर्षिकार लगा के बगिया लिखा है। फिर सिद्धार्थ, उसमें गलत है तो मैंने सिद्धार्थ सही कर लिख दिया है। लहू लुहान में आपका ह में हर्षुकार दिया है जबकि ह में दीर्घकार होगा तो मैंने दीर्घकार लगा के लहू लुहान लिख दिया। आगे सिद्धार्थ और लहू लुहान दो बार रिपीट किया गया है। तो इसी तरह मैंने जो जो गलत था अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके यहाँ लिख दिया। तो ये सिर्फ शुद्ध हुआ है जो आपको यहाँ बुक में भरना है। फिर नाइन नंबर में है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। क्रिकेट का खेल बहुत बड़ा शानदार होता है, तुमने क्या खाया? बच्चों इन वाक्यों के अंत में जो चिन्ह लगे हैं, जो चिन्ह लगे देख रहे हो, ये विराम चिन्ह है। जो चिन्ह लगा हुआ है, एक में सीधा डंडा दिया हुआ है और एक में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, तो वो जो डंडा है उसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। जो चिन्ह वाक्य में कुछ रुकने विश्राम देने का संकेत करता है, दिया इधर आपके बुक में कि जो चिन्ह वाक्य में कुछ रुकने विश्राम लेने का संकेत करते हैं विराम चिन्ह कहलाते हैं। जो विश्राम देने का करता है जैसे कि कॉमा हो गया, फुल स्टॉप, ऐसा साइन जो डंडा देता है उसको पूर्ण विराम कहते हैं। ये सब हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, मतलब वही प्रश्न सूचक चिन्ह जिसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं, वो सब विराम चिन्ह कहलाते हैं। पूर्ण विराम वाक्य समाप्त होने पर लगता है। ये जो डंडा दिया हुआ पूर्ण विराम करके यहाँ ब्रैकेट में, वो वाक्य के समाप्त होने पर लगाया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में लगाते हैं। कोई भी प्रश्न, जब कोई प्रश्न करेगा आपसे तो उसके वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे यहाँ लगा हुआ है तुमने क्या खाया, तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि तुमने क्या खाया, तो ये प्रश्न हुआ, तो इसके लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा था क्वेश्चन वर्ड, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ क्वेश्चन मार्क की बात है और पूर्ण विराम की बात है। उस तरह नेक्स्ट है, आपको लिखना है निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। आशा मेरे विद्यालय में पढ़ती है, उसको आपको इस डैश में लिखना है और जो विराम चिन्ह, पूर्ण विराम या प्रश्न सूचक चिन्ह जो भी लगेगा उसको आपको यहाँ लगा देना है। तो मैंने आंसर लिख दिया है, आशा मेरे विद्यालय में पढ़ती है, उसके बाद मैंने यहाँ ये पूर्ण विराम लगा दिया है। आपका घर कहाँ है, ये क्वेश्चन हो गया कि आपका घर कहाँ है, तो इसके लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो इसके लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क। क्या तुम उसे जानते हो, ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि क्या तुम उसे जानते हो, तो ये भी हो गया प्रश्न सूचक, इसमें भी लगाएंगे प्रश्न सूचक चिन्ह। पापा बाजार से फल लाए, तो इसमें हम पूर्ण विराम लगा देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एक आया है, ये वाक्य है। तो इस तरह आपको 7, 8, 9 और इस सबको कंप्लीट कर लेना है। क्रियात्मक गति दिया, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।